हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम मटर मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी है और बहुत ही कम मसालों में बन जाती है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं मशरूम मटर मसाला। इसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के लगभग मशरूम लिए हैं, जिनको मैंने खूब अच्छे से धोकर लंबा लंबा काट लिया है। एक कटोरी के लगभग मटर है, एक कटोरी बारीक कटा टमाटर, एक कटोरी बारीक कटा प्याज, एक कटोरी बारीक लंबा कटा प्याज और आधा कटोरी के लगभग दही लिया है। और दोस्तों, साथ ही में हम यहाँ पर हमारे रोजमर्रा के रेगुलर मसाले इस्तेमाल करेंगे। आपको अलग से कोई भी स्पेशल मसाला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ मैंने लगभग एक बड़ा चम्मच तेल गरम किया है और इसमें हम कटे हुए मशरूम को थोड़ी देर भून लेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर। इनको भून कर हम इन्हें निकाल कर रख लेंगे और फिर हम बाकी की तैयारी शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, कुछ देर तेल में भूनने के बाद ये मशरूम कुछ इस तरह से हो जाएंगे। इसी कढ़ाई के तेल में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल के बढ़ा लिया है और अब हम इसमें लगभग एक चम्मच जीरा डालेंगे, दो से तीन लौंग और तुरंत ही बारीक कटा प्याज डाल देंगे, साथ ही साथ लंबा कटा प्याज भी डाल के अब हम इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब हम इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आप सोचेंगे मैंने दो तरह का प्याज क्यों काटा है, तो वो इसलिए कि बारीक कटा प्याज तो मसाले में घुल जाएगा और ये लंबा कटा बारीक प्याज मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा स्वाद देता है। तो चलिए अब हम इसे कुछ देर भून लेते हैं। समय बचाने के लिए हम दही जो हमने यहाँ लेकर रखी थी उसी में हम लगभग आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला, आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा मसाला। अगर आपके पास जीरा मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा बनेगा ये। अब हम इसे मिक्स करके रख लेंगे। ये देखिए, ये मसाला सब अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज अब पूरी तरह से भूनकर सुनहरी हो गई है, साइड से तेल भी छूट रहा है। अब हम इसमें बारीक कटा टमाटर मिला देंगे और अब हम इसे भूनेंगे। यहाँ हम स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे, जिससे कि हमें टमाटर भूनने में भी आसानी होगी, टमाटर जल्दी गल जाएगा। टमाटर को इस तरह से दबाते हुए, प्रेस करते हुए मैश करते जाएं और भूनते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें ये दही में जो हमने मसाले मिला के रखे थे वो डालेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका तेल ना छूट जाए। टमाटर अब पूरी तरह भून गया है। अब हम इसमें हमारी उबली हुई मटर और सौते किया हुआ मशरूम डालकर मिलाएंगे। इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। ये देखिए, अब इसमें उबाला भी आ गया है। इसमें आपको ज़्यादा का पानी डालने की ज़रूरत नहीं, मशरूम का खुद ही जूसेस छूटते हैं, उससे ही ये पतला हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में थोड़ा पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे लगभग 5 मिनट धीमी आंच पर ढक कर पकाएंगे और फिर हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी मशरूम मटर की मज़ेदार सब्जी एकदम तैयार है, एकदम बढ़िया सब्जी बनी है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।